एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और अभी करेंगे योगा आधे घंटे के लिए। उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं, क्योंकि अभी फुर्सत में है, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो इसलिए अभी आधा घंटा से ऊपर जाएगा मेरा योगा। एक्सरसाइज कौन कौन सा अभी करती हूँ वो आपको मैं बताऊँगी, साइड से स्क्रीन पर आपको मिलेगा। और योगा तो आपने देखा ही है, कपालभाति मेरा चलता है, अनुलोम विलोम कपालभाति। तो फ्रेंड्स, योगा जो जो करते हैं ना, वो मेरे वैरिकोस वेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए योगा छोड़ते नहीं हैं। और एक्सरसाइज करते हैं पूरे बॉडी के लिए, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। बांह ये भी ढीला पड़ने लगता है अगर आप वेट लॉस करते हैं तो, और एक्सरसाइज करेंगे तो वो सब जो है टाइट हो जाएगा, फिट रहेगा, तो ये सब के लिए। और पैर का भी जो है, ये लेग, उसका भी एक्सरसाइज जरूरी है। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और फैन बंद है क्योंकि आवाज़ क्लियर आने की वजह से फैन बंद कर दिए हैं। तो ये देखें, स्वेटी स्वेटी फेस दिख रहा है और पसीना छूट रहा है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, इतनी गर्मी पड़ रही है कि ऐसे में खाना खाने का भी दिल नहीं चाहता है, लगता है कुछ पी करके ही काम चला लें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। एनर्जी तो चाहिए, फुल डे वर्क करना है, फुल डे काम करते रहना है, तो एनर्जी तो फुल चाहिए। तो ऐसे में आप ब्रेकफास्ट में सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि ओट्स लें। ओट्स में इतना एनर्जी है, और सबसे अच्छी बात है कि उसको लेने के बाद जो है आप लंबे टाइम तक, काफ़ी देर तक आपका पेट भरा भरा रहेगा और भूख नहीं लगेगी, और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, एनर्जी बहुत मिलती है। तो उसे आप ज़रूर लीजिए, और उसे हर तरह से मतलब ले सकते हैं, इसलिए कि वो टेस्टलेस होता है ना, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। तो उसको आप जो है मीठा भी बना सकते हैं, नमकीन भी बना सकते हैं, और उसके पराठे भी बना सकते हैं। आटा की रोटी, गेहूँ के आटा की रोटी खा खा कर कभी कभी दिल नहीं चाहता बनाने का, रोटी खाने का, तो वैसे में आप ओट्स को पीस करके और पराठा बना सकते हैं उसमें सब्जी वगैरह डाल करके। तो उसके लिए ऑप्शन बहुत है, ओट्स के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि रात में उसे दूध में भिगो करके और सुबह में उसमें कुछ फ्रूट्स वगैरह मिला करके ले लेती हूँ, तो उससे और फ़ायदा ज़्यादा करता है क्योंकि वो पकाया हुआ नहीं रहता है ना। तो वैसे भी आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, योगा एक्सरसाइज हो गया आज 40 मिनट तक की, ये सब चला है। और अब जो है चलते हैं नीचे, फर्स्ट ड्रिंक जो है आज सुबह का जो ड्रिंक होता है वो चलते हैं ले लेते हैं, और उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। नाश्ता में आज इडली बनाना है, बच्चों की फरमाइश है कि इडली बनाइए। अभी बच्चे घर पे रह रहे हैं ना, तो एक से एक फरमाइश हो रहा है कि सुबह नाश्ते में मतलब उन लोगों को अलग अलग ब्रेकफास्ट चाहिए, और दोपहर और रात का तो जो भी दे दें चलेगा। फ्रेंड्स, हमें बनाने में भी अच्छा लगता है, कुकिंग करने का शौक भी है, इसलिए बन भी जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है, आराम से बना लेते हैं, जो बोलते हैं वो बना देते हैं, सिर्फ टाइम होना चाहिए। कभी कभी ऐसा उलझन हो जाता है ना काम का कि बना नहीं पाते हैं, टाइम किसी तरह निकाल ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए पहले ड्रिंक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इडली बनाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, ड्रिंक तैयार है, और कल जो मैंने पाउडर बनाया था फ्रेंड्स, जीरा, अजवाइन और सौंफ का, जो कल के वीडियो में आपने देखा होगा, अगर देखा है तो उसी पाउडर को आज ये ले रही हूँ। तो चलती हूँ पीने, आराम से बैठ करके चेंज कर करके पानी लेना चाहिए, और लेते भी हैं कभी, दालचीनी का पानी हो गया, सौंफ, जीरा, और ये तो सबसे बेहतरीन है, इसमें सब कुछ है, तीनों चीज़ है। तो फिर चलिए इसे आराम से इंजॉय कर करके पीते। तो फ्रेंड्स, पानी बिल्कुल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, एकदम से गुनगुना गर्म नहीं होना चाहिए, और उसी में एक चम्मच घोल लेना है, और बहुत ही फायदेमंद है ये। तो चलिए बैठकर एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, बन गया ये इडली, और ये रहा मूंगफली की चटनी।
दूसरे नंबर पे गर्मियों के लिए ब्रेकफास्ट में आप ये इडली जरूर बनाइए और बना करके सभी को खिलाइए। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है ये, बहुत ही अच्छा हेल्थ के लिए है ये। इसमें ऑयल नहीं रहता है और इसे स्टीम करके पकाया जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा हेल्दी रहता है ये। तो फ्रेंड्स, फेस पैक बनाने जा रहे हैं, उसके लिए लेंगे एलोवेरा जेल। तो ये आप ताज़ा पत्ती को तोड़ करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये जेल था तो ये ले रहे हैं। अरे निकलता क्यों नहीं है? एलोवेरा 2 चम्मच लेना है और उसके बाद लेंगे ये कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जितना आप एलोवेरा लेंगे उसका आधा कॉफ़ी लेना है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 1 चम्मच। बस अभी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फेस वॉश से फेस धोना है, स्क्रब भी करना है, तब जा करके फेस पैक अच्छा से वर्क करता है, काम करता है। तो चलिए अब इसे पैक को लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा कॉफी फेस पैक, जो कि एकदम भूतनी की तरह दिख रहे हैं। आप लोग डर मत जाइएगा, ये मास्क हटेगा तो और भी बेहतर दिखेगा। तो इसे 20 मिनट रखना है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर धो लेंगे ठंडे पानी से। सूख चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है, अब चलते हैं इसे धो लेते हैं। फेस धोकर आ गए हैं, एकदम से फ्रेश लग रहा है, आपको भी पता चल रहा होगा। ये एलोवेरा जो है ना, गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस 2 चीज़ रहना चाहिए और इसे आराम से लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके बाद अब कुछ कोई मॉइस्चराइजर लगा लेना है। वैसे तो अभी नहाने जाना है तो, लेकिन थोड़ा सा भी देर होगा तो खींचने लगेगा स्किन, तो पहले लगा लेते हैं नहाने में, क्योंकि अभी थोड़ा देर है तो इसलिए। तो फ्रेंड्स, नहाकर आ गए हैं और खाना अब लगाने जा रहे हैं। तो ये देखें, खाना लगा चुके हैं और ये देखें सबका सब कुछ। ये रहा आलू डक सब्जी, आमलेट सब्जी, ये रहा फ्राइड चावल। अच्छी दिख रही है करीना, स्टॉपी करीना हमको नहीं सुनाती है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम को 4 बज रहा है और हम लोग को जाना है अभी मार्केट, पार्लर जाना है क्योंकि हेयर कट करवाना है। तो देखिए सब कुछ तैयारी चल रही है। तो जल्दी से निकलेंगे, 4 बज गया है, थोड़ा दूर पड़ता है तो आने में भी शाम हो जाएगा, तो जल्दी से निकलेंगे, उसके बाद फिर वापस आना भी है। तो चलिए, और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा हेयर कट हो रहा है और ये स्टेप में ही हमेशा से कटवाते हैं और इन्हीं के पास आते हैं, यही पार्लर में, यहाँ मेरे एरिया में यही इन्हीं का पार्लर जो है बहुत हमें पसंद है। और ये बाल काटते हुए बोल रही थी कि आपके बाल लगता है हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है, तो उसके लिए एक चीज़ बताई है जो हम लेंगे, लेकिन आपके साथ शेयर करेंगे अगले वीडियो में, बहुत ही फ़ायदा करता है ऐसा बोल रही थी, तो देखते हैं यूज़ करके। ये देखिए, इन लोग ले आए हैं आइसक्रीम और पसंद नहीं आ रहा है स्ट्रॉबेरी। अच्छा लगता है आप लोगों को? कुछ नहीं अच्छा लगता। कुलसुम बोली कि हाँ खाएंगे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। और ये क्या ले आए हैं जी? और ये रहा चाउमीन। कल तक खत्म हो जाएगा, मुझे 8:15 गया है घर आने में, 5:30 में गए थे। ये रहा मेरा हेयर कट, स्ट्रिप में है। तो फ्रेंड्स, बच्चे तो खा रहे हैं आइसक्रीम, लेकिन हम लेंगे अभी ब्लैक कॉफी। तो चलते हैं, ब्लैक कॉफी बनाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियों के लिए तीसरा ऑप्शन है ओट्स का ही, जो बहुत ही इजीली बनेगा। वो भी है कि दही में आप ओट्स को रात में भिगो कर रख दीजिए और उसमें आप सब्जी वगैरह मिला करके रख दीजिए और उसके बाद सुबह में आप उसे खा लीजिए ब्रेकफास्ट के तौर पर।
बहुत ही अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाता है वैसे, और आपका टाइम भी बचेगा और बनाना भी नहीं पड़ेगा। सबसे तो अच्छी बात ये है हम लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स अभी खाना में बनाना है ओट्स, तो सिंपल सा ओट्स बनाएंगे और कुछ भी वैसा मन नहीं कर रहा है तो वो थोड़ा हल्का लगेगा खाने में, तो वही बनाएंगे। और गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, गर्मी इतनी है ना कि मत पूछिए। अब लग रहा है थोड़ा सा खाएं और उसके बाद जो है आराम करें, सिर्फ कहीं भी जाइए तो थक जाता है इंसान। खीर हो या हलवा हो या ओट्स हो, कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हमें पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसमें कुछ डाल करके बनाएं, ये ड्राई फ्रूट या फ्रूट कुछ भी। तो सादा सिंपल ऐसे ही खाना है। तो ये देखिए ये ओट्स है चढ़ा हुआ, बस बन चुका है। गैस को ऑफ करते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इसमें ऐड करेंगे शहद मीठा होने के लिए, चीनी बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड्स, चीनी नहीं डालेंगे। आप चाहें तो मिश्री डाल सकते हैं लेकिन अभी डालेंगे इसमें शहद, तो थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद शहद सिर्फ मिलाएंगे और खाएंगे। तो फ्रेंड्स ये दूध में सिर्फ ओट्स डाल करके पकाया हुआ है और ठंडा हो चुका है, अब इसमें डाल देते हैं ये शहद। तो बस एक चम्मच इसमें मिला दे देंगे, और ऐसे भी फ्रेंड्स इसका मिठास जो है ना हेल्दी होता है, मीठा भी हो जाएगा और शहद हेल्दी भी होता है। तो फ्रेंड्स खाना को करते हैं फिनिश, और फ्रेंड्स आज बहुत लेट हो गया खाना खाने में, 9:30 बज रहा है। ऐसे खाना रात में जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए, 7 या 8 बजे तक खा लेना चाहिए, लेकिन 7 बजे तक कभी नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। तो इतना जल्दी तो नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ 8 बजे तक आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं अच्छे से तो आप जरूर 8 बजे तक खाना को कंप्लीट कर लीजिए। खाना पहले खाएंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और सोने तक जो है अच्छे से आपका खाना पच जाएगा। और खाना सोने से पहले आधा घंटा पहले जो है आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, ग्रीन टी हो गया या भी कोई और भी ड्रिंक हो सकता है। तो एक तो अभी जो पाउडर बना कर रखे फ्रेंड्स वो वाला अभी फिलहाल मेरा चल रहा है, सुबह का भी चल रहा है और रात का भी चल रहा है, वही उसी को घोल करके पी ले रहे हैं। और आप चाहें तो कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम वही चीज़ लेना है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, रात में जितना हो सके हल्का से हल्का खाना खाना चाहिए, अच्छा रहता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर खाना पीना खाएंगे रहेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो है वेट लॉस जर्नी कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर वही ध्यान नहीं देंगे तो फिर फ्रेंड्स इतना भी आसान नहीं है वेट लॉस करना। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हुए और खाना पीना पर ध्यान दीजिए, और उसके बाद जो है आपका वेट लॉस होना ही होना है, ऐसा नहीं है। डाइट भी अच्छे से फॉलो कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और पानी पीते रहिए। गर्मी का मौसम है, पानी के साथ साथ जूस वगैरह लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स भी सीजनली जो रहता है वो सस्ते में मिल जाता है। जैसे कि तरबूज बहुत ही बेहतरीन है अभी के गर्मी के लिए फ्रूट्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि महंगा फ्रूट्स खरीदें उसके बाद ही खाएं, आप सीजनली लीजिए, सस्ता मिलेगा और उसे खाइए। खीरा है, सुबह सुबह आप खीरा लीजिए, खीरा खाइए बहुत ही अच्छा है, सुबह में खाइए, रात में बिल्कुल मत लीजिएगा। सैलेड में भी ऐड मत कीजिएगा, खीरा नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स यही सब चीज़ है जो आप फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, काफ़ी जल्दी से अपना खाना जो है फिनिश करेंगे और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने कर लिया उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड्स वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या अच्छा है क्या नहीं, आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं और आगे भी वीडियो बनाने का दिल चाहता है कि लोगों को पसंद आ रहा है तो आगे वीडियो बनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, तो हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो करते हैं पेंट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।